रहे हैं। मैं उदाहरण है इस चीज का कि उस पे जो है अभी जो है 48 में पाकिस्तान का जो नाम था, क्योंकि उस चीज के लिए हमारे जो है बताने के बाद फौज ने जो है उस चीज से मना कर दिया, नहीं क्यों एक ग्रुप को करके और उसमें जुझारू बन दो दिन में नहीं आता कोई, 6 महीने का फिजिकल इंडोरेंस होगा, फिजिकल इंडोरेंस तो सबका हो गया, बाकी की तैयारी कौन कराएगा? एक 5 किलोमीटर की पीपीटी करने से फौजी नहीं बनता है। चुका है जिनका मेडिकल हो चुका, यही लड़के हैं, यही पे हैं, मेडिकल हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, कितने हम अपने सांसद के सुंदर भविष्य की मंगल कामना करते हैं और किस ऊंचाई तक उड़कर जाएंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। ये अग्निपथ जो योजना है ये ना देश हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना देश के नौजवान के हित में। हम इस योजना विरोध करते हैं, इस योजना को वापस ले सरकार। राष्ट्र हित की बात की है कि इसमें राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति होनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं हो, देश की फौज और देश की सुरक्षा ऐसे विषय हैं, ये राजनीति ऊपर उठ के विषय होने चाहिए, इन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर राजनीति ही चलेगी, क्योंकि देश का जो फौजी है वो किसी पार्टी का नहीं, वो किसी क्षेत्र का, किसी धर्म का, किसी जाति का, भाषा का या भूषा का नहीं है, वो देश का फौजी है और सभी लोग जाके देश की फौज के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, और इसीलिए इन विषयों को राजनीति से परे रखना चाहिए। सरकार, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार अपनी 2 करोड़ नौकरी की विफलता छुपाने के लिए इस प्रकार के शगुफे छोड़ रही है, लेके आई है, जिन सबको से देश की फौज का भी नुकसान होगा, देश की फौज भी कमज़ोर होगी, देश के नौजवान के भविष्य भी को भी बड़ा भारी झटका मिला इससे। तो कोई भी अगर बात जो देश के फौज के हित में नहीं होगी, हम उसका विरोध करेंगे। हमारा एक ही नारा है, देश की फौज बचाओ, देश के नौजवान के भविष्य को बचाओ और अग्निपथ को वापस लो। अभी तक ये यूटर्न करती आ रही है सरकार, जो भी फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले में अभी इन्होंने जो है वो भर्ती प्रक्रिया भी निकाल दी, शुरू कर दी है, तो वो कोई बात नहीं, आप लोगों का विरोध तो ज़्यादा हो। हाँ, वो कोई बात नहीं, तो इनका प्रक्रिया इनकी चल रही कर रहे हैं, हम इसका विरोध करेंगे, इसको भी भैया वापस लेंगे, इसको भी वापस लेंगे। आपने देखा कृषि कानून 3 साल के 1 साल के बाद वापस लिए, जो 3 कृषि कानून थे, आपने देखा लैंड एक्विजिशन बिल पे जो इन्होंने वापसी करी थी वो 6 महीने के बाद वापस ली। तो कोई भी जो सही बात है सही सही होता है, गलत गलत होता है। ये योजना जल्दीबाजी में लेके आए हैं, कह रहे हैं इसराइल में है, इसराइल छोटा देश है, इसराइल में मैं आपको जानकारी ला दूँ 100% लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है नहीं, देशभक्ति की भावना में अंतर हरियाणा देश में, हिंदुस्तान में और इसराइल में, और लोग बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है फौज, इसीलिए वहाँ पे कंपलसरी सर्विस है 4 साल की। इसराइल की परिस्थिति अलग हो सकती है, इसराइल में और हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की परिस्थिति चलेगी, हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की नीतियाँ चलेंगी। बताए सरकार फौज में क्या कमी थी जो आज फौज में लेके आए। जजर नगर परिषद चुनाव में देखिए, नगर परिषद चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा का पूरे प्रदेश के अंदर जनाधार सिमटा है, मैं आपको बता दूं 2018 के चुनाव में जब नगर निगमों के 5 और कई पालिकाओं के चुनाव हुए तो भाजपा को 49% वोट मिला था 49% शहरों में 2018 में। उसके बाद दोबारा, क्योंकि पहला वो चुनाव था जहां मेयर का डायरेक्ट चुनाव हुआ 2018 में, जब रोहतक का, हिसार का, यमुनानगर, करनाल मेयर का हुआ, तब इनकी वोट आई थी 49%। 2020 में जब हुआ, जब सोनीपत का, रेवाड़ी का, उस समय भाजपा की वोट आई 39%, और अब गिर के 26% मात्र वोट। सत्ता में भी ये हैं, सिंबल पे भी लड़ रहे थे, और मात्र 26% वोट 13 लाख मतदाताओं में, मात्र 3 लाख मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दी जो सत्ता में हैं, और लगभग 9.5-10 लाख लोगों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया। तो ये एक बड़ी भारी, मैं समझता हूँ, एक नैतिक हार हो गई बीजेपी की, और जो आई जो 53-54% लोगों ने निर्दलियों को वोट दी और भाजपा को ना वोट दी, वो मैं समझता हूँ कि उनने आईना दिखाने का काम किया भाजपा को, क्योंकि भाजपा ने सिंबल भी दिए थे और भाजपा ने पूरी तरह अपनी सारी मशीनरी लगा के चुनाव को, अपने सारे प्रचारक लग के चुनाव का किया था। तो ये एक, मैंने जैसे कहा कि प्रदेश में जो ये नतीजे आए हैं,
इन नतीजों को लेकर भाजपा को आत्मनिर्णय की जरूरत है। और चार विधायक थे उसके बाद देखिए मनन की जरूरत नहीं है क्या? देखिए आप लगातार कांग्रेस ही नहीं मान पाए तो ये कहीं ना कहीं विफलता मानते हैं। देखिए ऐसा है, ये इन चुनावों में कई बार परिस्थितियाँ बनती हैं और जो है तो इसमें कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पे नहीं लड़ने का चुनाव का निर्णय लिया था, वो बड़ा निर्णय था हमारा प्रदेश स्तर पे। स्थानीय लेवल पे कहीं कहीं किसी किसी जगह किसी किसी उम्मीदवार को समर्थन जरूर किया था जो हमारी स्थानीय लीडरशिप है, मगर मैंने जैसे कहा कि जब करनाल जवाब सवाल ये बनता है सरकार किसकी है, अगर मुख्यमंत्री जी के करनाल से चार में से तीन में बड़ी बुरी तरह भाजपा हारी हो और पाँचवें और छठे नंबर पर पहुँची हो, उचाना में JJP के और दुष्यंत के उम्मीदवार अगर सातवें नंबर पर पहुँचे हों, सरकार सत्ता में हुए हैं उनको आज मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा आईना, जब करनाल में भाजपा साफ, उचाना में जजपा साफ और पूरे हरियाणा के अंदर भाजपा हाफ 50% से 25% तक, तो मैं समझता हूँ ये नैतिक हार भाजपा की हुई है। उपचुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं, ये आपकी जानकारी ठीक नहीं है, आपको शायद मैं जानकारी नहीं। अगरतला में बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी जीती है। हम त्रिपुरा के मतदाताओं का धन्यवाद करते हैं कि त्रिपुरा में बहुत लंबे अरसे के बाद अगरतला जैसी सीट वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जल्दी संगठन का गठन हो।